Hello everyone, I am Prem Tripathi. In this video, we are going to compare these two tenses, present perfect and simple past. Present perfect or simple past में students अक्सर confused हो जाते हैं. उनको ये नहीं समझ में आता कि इन दोनों में क्या exact difference है. ये confusion क्यों होता है, इसका बड़ा interesting reason है. Present perfect के बारे में students का के दिमाग में ये impression होता है कि ये कंप्लीट एक्शन की बात करता है. बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट एक्शन की बात करता है. उनको लगता है कि जो एक्शन कंप्लीट हो गया वो पास्ट हो गया, तो बीत गया, कंप्लीट हो गया, तो उनको लगता है ये तो घटना पास्ट की है. और सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट भी पास्ट के बारे में, सिंपल पास्ट तो नाम ही है पास्ट, सिंपल पास्ट है ये, तो ये पास्ट की घटना के बारे में बताता है. तो उनको लगता है कि फिर दोनों में क्या डिफरेंस है. डिफरेंस बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दोनों दो चीजें हैं, उसको ध्यान से देखिए. प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि नाम से क्लियर है, ये प्रेजेंट का डिवीजन है. द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि प्रेजेंट परफेक्ट ये प्रेजेंट का टेंस है और ये पास्ट का डिवीजन है, सिंपल पास्ट. प्रेजेंट परफेक्ट दो जगहों पे इस्तेमाल होता है, इसके दो यूजेस हैं मेनली. एक तो ये रीसेंट पास्ट, जो घटना अभी तुरंत हुई हो, बिल्कुल रीसेंट पास्ट में कोई घटना हुई हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है. जैसे कहा जाए शी हैज जस्ट लेफ्ट, जस्ट के साथ इस्तेमाल होता है. ऐसे केसेस में जस्ट लगता है, JUST, शी हैज जस्ट लेफ्ट, द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, अभी अभी गई है. तो एक तो ये हुआ. दूसरा, पास्ट की घटना, घटना भले ही पास्ट में हुई हो, कई बार ये पास्ट की घटना के लिए भी आता है, मगर घटना पास्ट में हुई हो, मगर उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में दिखाई दे रहा हो, या उस घटना का, उस एक्शन का कोई कनेक्शन किसी ना किसी रूप में प्रेजेंट से हो, उस केस में, इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट. तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं. इसको एग्जांपल से देखा जाए. आई हैव लॉस्ट माय कीज, आई हैव लॉस्ट माय कीज, प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल्स इसके नीचे लिखे हुए हैं. आई हैव लॉस्ट माय कीज, मेरी चाबी खो गई है, मेरी चाबी खो गई है. अब ये घटना भले पास्ट में हुई हो, लेकिन उसका असर अभी भी दिख रहा है. अभी भी ये दिख रहा है कि मेरे पास, आई डोंट हैव माय कीज राइट नाउ, आई हैवंट गॉट माय कीज, मेरे पास चाबियां नहीं है. घटना का असर दिख रहा है, अभी भी नहीं है मेरे पास में. तो घटना भले, हो सकता है कि 4 दिन पहले चाबियां गायब हुई हो मेरी, लेकिन उसका असर अभी भी है. तो मैं उस घटना के, उस पास्ट की घटना को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा हूं. सो आई यूज प्रेजेंट परफेक्ट, आई एम यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव लॉस्ट माय कीज. अब यहां पर यह समझना है कि सिंपल पास्ट का काम क्या है. सिंपल पास्ट क्या करता है, इट डिनोट्स, इट एक्सप्रेसेस पास्ट एक्शंस, पास्ट की घटना को बताने के लिए, जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया, अलोंग विद द पास्ट एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, पास्ट के टाइम का जो एडवर्ब्स होता है, जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, इन जनवरी 1990, इस तरह के जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, जो पास्ट के टाइम बताते हैं, उनके साथ ही इस्तेमाल होता है. पास्ट की कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए सिंपल पास्ट यूज होता है. तो जब हम कहते हैं आई हैव लॉस्ट माय कीज, तो मैं इसमें टाइम नहीं बता रहा हूं, मुझे सिर्फ, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट, मैं रिजल्ट बताना चाह रहा हूं. प्रेजेंट से इसका कनेक्शन ये कि मेरे पास चाबी नहीं है, आई हैव लॉस्ट माय कीज. लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि कब गायब हुई चाबी, कब गायब हुई, तो फिर मैं सिंपल पास्ट का यूज करूंगा. I lost my keys yesterday. अब ध्यान दीजिए, yesterday देखिए, time वाला word, past का, time का word use हुआ है, adverb of time, past time. I lost my keys yesterday. So I have lost my keys versus I lost my keys yesterday. दूसरा देखिए, I have seen this movie. किसी film की बात हो रही है, कोई picture हमारे friends जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई बहुत अच्छी movie है, तो मैं देखूंगा, अच्छा ये movie, I have seen this movie. मैं फेमिलियरिटी एक्सप्रेस कर रहा हूं, मतलब कि मैं पिक्चर कभी भी देख, हो सकता है कि मैं ये फिल्म 4 साल पहले देखा हो, मैंने देखा हो 4 साल पहले. तो घटना तो पास्ट की है, मगर हम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहे हैं. आई रिमेंबर द स्टोरी, आई रिमेंबर द कास्ट, कौन कौन उसमें था, स्टोरी सब कुछ मुझे याद है. तो मैं उसको, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में फील कर रहा हूं. सो मैं बोला आई हैव सीन दिस मूवी. अब अगर मुझे ये बताना जरूरी है कि कब देखा, अगर मुझे ये बताना है, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द टाइम कि कब मैंने ये मूवी देखा, तो अब मैं सिंपल पास्ट यूज करूंगा. आई सॉ दिस मूवी लास्ट ईयर.
यहां ध्यान देने की बात है कि आई हैव सीन दिस मूवी लास्ट ईयर, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। स्पॉटिंग एरर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, आई हैव सीन दिस मूवी लास्ट ईयर, दोनों को आप मिला नहीं सकते। आई हैव सीन दिस मूवी के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में कभी भी, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में कभी भी इस तरह के वर्ड जो पास्ट के बारे में बता रहे हो, एडवर्ब ऑफ टाइम जो पास्ट का टाइम बतला रहा हो, उस प्रकार के शब्द कभी भी इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज नहीं हो सकता है। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने काम कर लिया है, दैट मीन्स आई एम फ्री नाउ, उसका रिजल्ट, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। कब फिनिश किया ये बताना जरूरी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी राइट नाउ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैंने काम खत्म कर लिया। अब अगर मैं बताना चाहता हूं कि मैंने काम कब फिनिश किया, तो देखिए तब मैं सिंपल पास्ट यूज कर रहा हूं, आई फिनिश्ड माय वर्क अ वीक अगो, एक हफ्ता पहले काम खत्म कर दिया। तो ये अभी कब लगाना है, तो अब मेरा सिलेक्शन क्या होगा, सिंपल पास्ट का होगा। नाउ आई कैनॉट यूज द फ्रेज अ वीक अगो विद प्रेजेंट परफेक्ट, इसके साथ हम नहीं यूज कर सकते। आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है, दैट्स ऑल। हमें सिर्फ ये बताना है कि तुम्हारा, हम रिजल्ट में इंटरेस्टेड है, मैसेज मिल गया। आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज लास्ट नाइट, ये गलत हो गया। अगर मुझे लास्ट नाइट बोलना जरूरी है तो मैं सिंपल पास्ट यूज करूंगा, आई रिसीव्ड योर मैसेज लास्ट नाइट, आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज लास्ट नाइट, ये गलत है। अगर मुझे बोलना है कि लास्ट नाइट मिला, तो मैं ये, अब देखिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, या तो मैं बोलूंगा आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, या तो ये आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, दैट्स ऑल। या अगर मुझे बताना जरूरी है कि कल रात को तुम्हारा मैसेज मिला, तो मेरा सिलेक्शन क्या होगा, अब मैं सिंपल पास्ट यूज करूंगा, आई रिसीव्ड योर मैसेज लास्ट नाइट। दोनों को नहीं मिला सकते आप, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज होंगे। सो दोनों का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों दे आर पोल्स अपार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट की घटना का असर प्रेजेंट तक बताना हो, पास्ट के इवेंट को प्रेजेंट तक खींच के लाना हो, देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल पास्ट इज यूज टू टॉक ऑफ एन एक्शन दैट कंप्लीटेड एट सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी समय कोई घटना पूरी हो गई, अलॉन्ग विद द टाइम वर्ड्स, टाइम वर्ड्स के साथ उसको।